इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहनी हूँ कि किसी चीज़ से ना घबराओ, जिंदगी एक जंग है, ये खूब लड़ो और कोई ऐसी गल नहीं कि तुम्हें तो निराश होना पाएगा, नहीं तुम बोल्ड बन के करने होंगे ना, कदम ना कदम मिलाए चलो अगे बढ़ाए चलो, इन रुकना नहीं तुम्हें, बस अपनी जिंदगी अगे तो अगे बढ़ाए चलो, कदम ना रुको अपने किसी चीज़ से, कुछ भी हो जाए नहीं, ये भगवान ने एक तुम रब ने एक जिंदगी ऐसी दिती है, यदा गलत फायदा ना उठाओ, किसी का दिल ना दिखाओ, कहते होंगे रब हर एक दिल च बसदा, दिल ना दिखाई रही है सानू, कोई इन्ना कोई जरूरी नहीं कि असं हर रोज़ मंदिर गुरुद्वार जाइए, नहीं जो साढ़े घर बजुर्ग बैठे जो असं उन्हों की सेवा कर लेंगे या अपने परिवार के बच्चों अपनी नूहों देख लें तो वह भी साढ़े लिए एक बड़ी वड्डी तपस्या, अपने तो अपने बच्चे ना कट्टो यार, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अज मैं कैंसर पेशेंट सी, मेरा बेटा ही मैनू इस चीज़ तो निकाल के लैके आया, मेरी बेटी जी डॉक्टर इन लॉ उन्हें मेरा इन्ना साथ दिता कि मैं इस मौत के मुँह चो वापस आ गई, और अज मैं दुनिया में कहनी कि बच्चे अपने तो मत पिछे करो यार, ये तुहाडे लई एक बस क्या मैं बताऊँ, कुछ नहीं ये बारे में बोल सकती कि मेरे बच्चे परमात्मा ने मैनू इन्ने अच्छे दिते आ कि मैनू जिंदगी जी के मज़ा आ गया। हाँ जी सबनों नमस्कार, मैं रजनी थापर, मेरा बर्थ हुशियारपुर होया सी कैट परिवार च, मेरे फादर ने मैनू बड़े अच्छे संस्कार दिते सी और मैं उत्थे खूब अपनी पढ़ाई वगैरह की, सब कुछ बहुत इंजॉय किया अपनी बचपन की लाइफ च भी, मेरे फादर ने मैनू बहुत कुछ सिखाया लाइफ च। फिर मेरी शादी उन्होंने लुधियाने थापर परिवार च की, बहुत छोटी एज सी मेरी 17 ईयर 17 ईयर च मैं ये शादी हो गई, और फिर मेरे दो बच्चे होए, दो मेरे बेटे से, यह भी परिवार मैंने बहुत अच्छा मिलिया कि जेदा मैं तुम दस नहीं सकती कि मैं अपनी लाइफ का हर एक इंजॉय किया, बचपन भी जवानी का भी जो भी अपनी शादी पर बहुत किया। फिर मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली से इतने और मैंने बड़ी अच्छी फैमिली मिली जिन्हें मैं रह के सब कुछ सीखा, फिर मैं सारा पेशेंस का ही पता लग्या कि एडे वे परिवार किस तरह पेशेंस रखी जाती है, अज मैं कोई भी कोई गल कह दे तो मेरे से कुछ हो नहीं होंगे क्योंकि मैंने इस परिवार ने भी बहुत कुछ सिखाया, मेरे हसबैंड मेरे बच्चे अज भी बहुत अच्छे हैं, और मेरिया दोनों बेटियां जो मेरिया डॉटर इन लॉज है बहुत अच्छी हैं, मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली अज भी मेरे नाल है। फिर मैं देखो जी मैनू बहुत छोटी उम्र च सारिया चीज़ा मेरी जिंदगी आ गई, परमात्मा ने मैंने छोटी जी उम्र एक मैं रोग भी लगाता कि जोड़ा मैं कैंसर पेशेंट बन गया, और अज मैं लोगों को यह भी मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि यह कोई बीमारी नहीं है जिन्होंने तुम लोग सुन के अंदर बढ़ जाते हो, मगर मेरे फ्रेंड्स ने मैं सारिया ने इन्ना अच्छा सपोर्ट किया कि जो शमी जी हैं वो क्लब के डायरेक्टर साहबा दे उन्होंने मेरी इन्नी सपोर्ट की, और मैं वो अपने क्लब च वाइस प्रेजिडेंट बना के लैके आए, अज भी मैं दुनिया का कोई काम कर लगे पिछे नहीं हटते क्योंकि मेरे च इन्नी क पावर है, मैं कीमो करा के अज भी क्लब च पहुँच जानी हूँ, लक्ष्मी लेडी क्लब च भी मैंने रजनी आंटी ने सारा काम दिता है करन दे भी, चलो जो भी है वो दिंदे आ मैं करती हूँ, काम तो मैं कभी पिछे नहीं हटती क्योंकि मैं अपने आप से कभी यह समझती नहीं कि मैं कोई पेशेंट हूँ, नहीं इस चीज़ को कभी अपने दिल ना लगा के ना चलो, इस कोई भी बीमारी बीमारी नहीं है, जो तुहाडे अंदर बिल पावर है तो यह तुहानू कितने दी कितने लैके जा सकती है, तुसी कभी भी किसी चीज़ तो भी घबराना नहीं है। मैं तुम दसा अज मेरिया फ्रेंड सर्कल ने और शमी जी ने मैं इन्ना अगे किया हर चीज़ से कि मैं दुनिया च बहुत कुछ सीखिया, इन्होंने मैं बहुत चीज़ा सिखाइया, और अज मेरा दिल करता कि मैं अंदर ना बैठा पर मैं बाहर निकल के उड़ी फिरा दुनिया च हर काम करा, और मेरे च एक सेवा भाव बहुत है, जे कोई मैं कोई भी काम कह दिता और मेरे मुँह उसके ना नहीं निकलते, मैं हमेशा यही गल सोचती हूँ कि नहीं जो जिंदगी तेरे को हो सकता वो क्यों नहीं अदले कर सकते, चाहे कि छोटी जी सीट आ जो कोई इंसान खड़ा तो उन्होंने ये ना सोचो कि ये खड़ा तो मैं बैठा, जो देखो नहीं खड़िया जा रहा तो तुम उन्होंने अपनी सीट दे रहे हो, यह भी एक बड़ा वाला त्याग है जिंदगी हमारा कि तुहाडे कोल कुछ ना कुछ जो भी होवे तुसी अपनी लाइफ कर सकदे, ये ना सोचो कि मैं पैसे नाल ही सब कुछ कर सकदा, नहीं तुहाडे कोल जो भी परमात्मा ने दिता तुसी ओहदे लई कर सकदे, और एक करन दी हिम्मत जरूर रखिया करो, जो कोई सियाना बजुर्ग है किसी भी सीट पर तुम बैठे हैं वो देखो नहीं खड़े जाता या कोई मदर बच्चा उठा के खड़ी है तो तुम उन्होंने अपनी सीट दे दो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जड़ी तुहाडे अंदर होनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहनी हूँ कि किसी चीज़ से ना घबराओ, जिंदगी एक जंग है, ये खूब लड़ो और कोई ऐसी गल नहीं कि तुम्हें तो निराश होना पाएगा, नहीं तुम बोल्ड बन के कहने होंगे ना,
कदम ना कदम मिलाए चलो अगे बढ़ाए चलो, इन्हू रुकना नहीं तुसी बस अपनी जिंदगी अगे तो अगे बढ़ाई चलो, कदम ना रुको अपने किसी चीज से, कुछ भी हो जाए नहीं। ये भगवान ने एक तो रब ने एक जिंदगी ऐसी दिती है, यदा गलत फायदा ना उठाओ, किसी का दिल ना दिखाओ। कहते होंगे रब हर एक दिल च बसदा, दिल ना दिखाई रड़ी है सानू, कोई इन्ना कोई जरूरी नहीं कि असं हर रोज़ मंदिर गुरुद्वार जाइए, नहीं। जे साडे घर बजुर्ग बैठे जी असं उन्होंने सेवा कर लें, या अपने परिवार के बच्चों अपनी नूहों देख लें, वह भी साढ़े लिए एक बड़ी वीडी तपस्या। देखो ये नहीं होंगे कि मंदिर जाके सू सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। घर के बच्चे थोड़े रो रहे और तुम मंदिर च बैठे हो, नहीं। इस चीज़ में भी मैं चीज़ नहीं समझती। और एक पॉइंट मेरा होर कि लोग अपने बच्चों बहुत बार भेजते हैं, क्यों बई तुम अपने बच्चों अपने तो दूर क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने खाने नहीं खिला सकते? की नहीं कर सकते? सोचते हैं कि इतने कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? सब कुछ है। अपने तो अपने बच्चे ना कट्टो यार, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अज मैं कैंसर पेशेंट सी, मेरा बेटा ही मैं इस चीज़ से निकाल के लैके आया। मेरी बेटी जी डॉक्टर इन लॉ, उन्हें मेरा इन्ना साथ दिता कि मैं इस मौत के मुँह चो वापस आ गई। और अज मैं दुनिया को कहनी कि बच्चे अपने तो मत पिछे करो यार, ये तुहाडे लिए एक बस क्या मैं बताऊँ, कुछ नहीं ये बारे में बोल सकती कि मेरे बच्चे परमात्मा ने मैनू इन्ने अच्छे दिते आ कि मैंने जिंदगी जी के मजा आ गया। सही गल, अज मैं थैंक्स करती हाँ अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का, जोड़े सारे मेरे नाल खड़े आ और मैनू ये चीज़ से उन्होंने नेड़े भी नहीं आन दिता और सोचन भी नहीं दिता कि तू इस चीज़ है तो असं ये किदा करोंगे। नहीं, जे कभी मैं पैसे की भी गल करती हाँ तो कहते क्यों असं बैठे नहीं, मगर मेरे लिए सपोर्टर बन के इदा खड़े होंगे कि मेरे मुँह कोई गल कर भी नहीं देंगे। इस करके मैं हर नूं यह भी कहना चाहूँगी कि कभी बीमारी नूं लैके मत सोचो और अपने अंदर ना बैठो, नहीं। जिन्ना तो कर सकते हैं लोगों लिए करो, उन्हां दी हेल्प करो, गरीब बच्चों का कुछ करो। चलो तुसी दूर नहीं जा सकते, तुहाडे घर मेड्स आंदियां, उन्होंने बच्चों का ही कुछ ना कुछ करते। छोटे छोटे बच्चे आ, सर्दियों में कपड़े नहीं उन्होंने को, खाने लिए नहीं है, चलो तुम बाहर नहीं जाके दान दे सकते, ये भी तुहाडे घर के अपने ही है। तुम इन कुछ ना कुछ जरूर करो, जिथे तक तुहानू हो सकता, जो तुहानू ईजी लगता वो तुम जरूर करो। इस करके मैं तुहानू सारिआं नू बार बार यही कहूँगी कि जिंदगी है जियो और खूब इंजॉय करो, मस्ती करो। ये दुनिया एक मेला, इन मेले वगू देखो, हसो खेलो नचो टप्पो। ये टाइम मुड़ के जिंदगी दोबारा नहीं आता, इसलिए इनू मत खराब करो, बस खूब इंजॉय करो। अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे अच्छे अपनी संगत नाल जुड़ो, जी कंपनी थोड़ी है वो अच्छे लोगों नाल जुड़ो, हर चीज़ वाल अपना करो, जो थोड़े को सकता वो तुम जरूर करो। थैंक्स, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया।